पूरा एक्सपीरियंस है 15 साल का या 15 साल 17 साल का एक्सपीरियंस है वो भी पूरा एकदम निचोड़ होता है। और आप अगर ऐसे कीजिएगा तो किताब में पढ़ रहे जब से टीचर पढ़ाए हैं तब से आपको बुझाएगा कैसे। टीचर अगर पढ़ा दिए हैं तो टीचर पढ़ा दिए आप किताब पढ़िए एकदम बहुत शॉर्ट शॉर्ट आप, क्योंकि आपको वर्ड का मतलब पता चल गया। अब होमोजीनियस आपको वर्ड का मतलब पता चल गया बस, तो फिर आप फिर उसको कर सकते हैं। आप डायरेक्ट किताब लगाना पढ़ नहीं सकते हैं, पहले जैसे बजे जो चैप्टर खत्म किया फिर NCERT पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसका NCERT का क्वेश्चन कीजिए। और अगर जेई मेन का ऐसी तैयारी करना तो NCERT एग्जाम का ठीक है। नाम बताइए आपका, यहाँ सेकंड टॉपर हैं, नाम आपका? मनीष कुमार, तो बताइए अपने बारे में। मनीष कुमार है, मैं यहाँ पर मतलब मेरा गांव भूसेज है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने मामा घर लखनऊ में रहता था, तो मतलब मैं यहाँ पर पढ़ता था केमिस्ट्री। तो हम फर्स्ट क्या था हमारा क्या था ना कि मतलब जो फर्स्ट ईयर था थोड़ा अच्छे दोस्त नहीं थे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन सेकेंड ईयर में कंसिस्टेंट थे। लेकिन जो होता है ना कि मतलब केमिस्ट्री में मेरा 80 नंबर आया है, तो सर पूछ लिएगा क्योंकि सर पूरा पढ़ा दिए थे। और इस बार तो सर यूट्यूब पर भी आए थे, लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा बता दिए थे। लेकिन कमी क्या हुई कि जो लास्ट में सर टेस्ट ले रहे थे ना, तो मतलब जब हम सुबह में हम लोग का 6 बजे या 5 बजे बस होता था, तो क्या होता है थोड़ा लड़का झगड़ा कर दिया था बस वाले से, तो हम सुबह में आ नहीं पा रहे थे। तो मेरा 1 महीना वही सुबह में जो टेस्ट वाला था वो छूट गया था सारा। तब वो यही नहीं पता चला था कि लिखना कैसे, मतलब 1-2 टेस्ट दिए थे उसके बाद टेस्ट ही नहीं, लिखना कैसे। तो फिर भूल से लिखे, क्वेश्चन बैंक बनाए, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस था केमिस्ट्री मतलब पूरा किए। मतलब ना जो वही लिखने वाला जो था ना वही थोड़ा सा फिर आ गया, क्योंकि हम टेस्ट दिए नहीं यहाँ पर, और टेस्ट के समय में हम थोड़ा हो गया था गाड़ी वाला एक प्रॉब्लम था, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। जो ये केमिस्ट्री क्लास में ये है ना कि सब बच्चे ऊपर सेल्फ स्टडी किए, अब सर पढ़ाए जाकर आप, और हाँ हम लोग एक गलती किए थे जब सर पढ़ाए थे शुरू में बोल रहे थे कि आप घर जाकर अभी से ही मतलब इसको पढ़ो पढ़ो, हम लोग क्या कहेंगे पढ़ेंगे ना लास्ट में, तो लास्ट में इतना मतलब ऐसा लगने लगा ना कि अब क्या होगा। लेकिन फिर भी उसमें अब ये रहता था ना, तब फिर लिख उसको पढ़ रहे थे, पढ़ने पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर उसको लिख रहे थे इतना बार लिख रहे थे ना पूरा मतलब हाथ दर्द कर रहा था, फिर लिखते लिखते वो आ गया, फिर वो याद नहीं हो जाता है। और पेपर में जाए तो लिख दिए, बेहतर बने की कोशिश की, बेहतरीन बने की कोशिश कीजिए, एकदम परफेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। परफेक्शन के लिए आपको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करना है तो मतलब लिख लिख कर कीजिए। आपको योर रिवीजन प्रैक्टिस होगी, योर राइटिंग प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा लिख लिख कर रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा सही होगा। और कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा समझिए, उसको सेल्फ एनालाइज कीजिए, और टेस्ट जरूर देना है। देखिए और मैं कहना चाहता हूँ कि आप मतलब कि आप अपना वीकेस्ट पॉइंट और अपनी गलतियों को पहले से ही देख लें, कहाँ मैं गलती कर सकता हूँ, कहाँ मेरा नंबर कम हो सकता है। मैंने ये मतलब कि मुझे ये जब गलती हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा सा मतलब पूरा जब मैं पूरा जो एग्ज़ाम लेके आया कहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, मेरे दिमाग में आया कि एक ही वर्ड है जो मतलब कि थोड़ा सा रोक ऑब्स्टेकल बन गया उसमें, तो ये वो है परफेक्शन। परफेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, परफेक्शन आएगा रिवीजन से, रिपीटेशन से, और बोर्ड्स अगर आगे भी आपको बोर्ड्स में अगर पढ़ना है तो बोर्ड्स के लिए आप ये कीजिए कि आप मतलब कि बोर्ड्स आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज के लिए नहीं कहता है, बस केवल मतलब कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए और परफेक्शन जो भी आप जानते हैं उसमें परफेक्ट रहिए।